ये कादरी गेट चौकी इंचार्ज चौकी जो क्षेत्र है यहाँ पे सूचना मिली कि एक ठेले पे झगड़ा होने की सूचना मिली है, वहाँ पे पहुँचा गया है और ये मालूम चला है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारे ठेले वाले थे उनके साथ में कुछ बच्चों ने जो है मोटरसाइकिल से जो आए थे उन्होंने गाली गलौज किया, फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से उसका प्रतिरोध किया, दोनों में कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद कुछ लोग बीच बचाव में आए और उसके बाद जो है अपने अपने कहा सुनी हुई गुत्थम गुत्था हुआ है। अब जो है मौके पे शांति है और मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है जो भी लोग ऐसे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, जो शराब पी के ठेले वाले से भिड़ जा रहे हैं, जो अधिक उन्माद में जो घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग हो, इस जनपद में अगर कानून व्यवस्था खराब करेंगे, शराब पी के हुड़दंगबाजी करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिन के अंदर 400 लोगों पर कार्रवाई की गई है, इसमें से कई लोग जेल भी भेजे गए हैं और ये लोग भी जेल ही जाएंगे। सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 151 की धाराएं जो है फरुखाबाद में बहुत ज़्यादा इसमें इसके तहत लोगों को बंद किया गया है, उसके बावजूद भी इस तरीके का लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं कि शराब पी रहे हैं चौराहे तिराहे पे बवाल कर रहे हैं, लेकिन उस बात को जो है धार्मिक उन्माद से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि अभी मैसेज फैलाया जा रहा है पूरे शहर में, ये गलत तरीके से मैसेज फैलाया जा रहा है। मीडिया को किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे कि मीडिया इसको फॉलो करे और तरीके का उन्माद ना फैले? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग शराबी है, ये जो अपराधी होता है इसका कोई धर्म नहीं है, जाति नहीं है, ये बदमाश है, ये शराबी है, इन शराबियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जैसे मैंने बताया जो लगातार जो लोग जेल भेजे जा रहे हैं, ये लगातार जेल भेजने की कार्रवाई से इनकी इन ये जो है इस कार्य को करना छोड़ेंगे भी और कई लोगों ने सुधार हुआ भी है और कईयों लोगों में ये जेल भेजने से सुधार भी देखेंगे और आप ये देखेंगे ये लोग जो हैं ये इनकी लगातार इस कार्रवाई को करते भी रहते हैं, इन पे लगातार कार्रवाई भी होती रहती है और मेरे द्वारा ये भी चेक कराया जा रहा है, एक लिस्ट बनाई जा रही है जो इस तरीके के जितने भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं, ये दिवाली से पहले त्योहारों से पहले ये जेल भी गए थे, ये दोबारा अब जेल जाएंगे और इन पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी जिससे कि ये जिला बदर भी कराया जा सके।